रायपुर में श्री अरबिंदो फाउंडेशन ने द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। बता दें, मुख्यमंत्री को गांव, गरीब, किसान और नरवा गरवा बाड़ी पर विशेष काम करने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। आरएसएस के पूर्व प्रांत संचालक के बयान पर सीएम ने कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से बयान दिए जाते हैं। जल्दी से फैसला हो, यदि राजभवन से फैसला हुआ राजभवन अभी तक हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देते, एडमिशन कॉलेज में एडमिशन रुका हुआ है वो शुरू कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति कर रही है और राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। उन्हीं राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वही इस प्रकार की समस्या आ रही है। जब भाजपा शासित राज्य है वहाँ राजभवन में इस प्रकार की राजनीति नहीं हो रही, अलग अलग प्रदेशों में तो उसके अलग अलग नाम से उसको उपयोग तो करते हैं। देखिए, उन्होंने एक बात तो सही है, 15 साल में क्योंकि उनकी दृष्टि है कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले तो ये इससे की समस्या समाधान नहीं। एक दूसरा पक्ष है जो ये समझते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको हल किया जा सके, और हम लोगों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, उसमें विश्वास पहले वहाँ के लोगों का दीजिए और फिर विकास करें और फिर सुरक्षा बढ़ाए, तीन त्रिवेणी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और विश्वास अर्जित करने के और लंबा और बड़ी बातें करने पर लंबा समय लगा, क्योंकि आदिवासियों के सबसे पहले हमने जमीन माफी काम किया, ऋण माफी किया, उसके उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था की, विश्वास, शिक्षा, रोजगार इस दिशा में काम किया, उसके बाद बाजार के बहुत सारे जो है सड़क बनाने काम किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्माण की है, उसके अलग सरकार हमारे हमारी सरकार है और हमारे विकास के काम कर रही है, तो विश्वास बढ़ा और विश्वास बढ़ने के नाम से आप बहुत सारे आप बनाने देखेंगे, जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे उसमें बस्तर हो आदिवासी अंचल में खूब तेजी से बढ़ा है और उसका लाभ होता है, और इस कारण से यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बढ़ा है और यही कारण है कि नक्सल पीछे अब ये तो सही बात है। मतलब देखिए, ये कई बार लोगों को भ्रम फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं ताकि लोगों में प्रकार के बना रहे और हमारे साथ में छूटे मत, इसलिए भी इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, वो रणनीति हिस्सा हो सकता है। कई महीनों से पहलवान जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, यही तो केंद्र सरकार के साथ दिक्कत है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे, बयान आना चाहिए, जब इतने दिनों से इतने महीनों से कमेटी बना दी, पीटी उसे अध्यक्षता में कमेटी बना दी और लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के काम में जूतक नहीं रह गई और स्थिति ये है कि भगवान को जहाँ उनको ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए वो भगवान आज धरना दे के बैठे हैं, ये तो देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तमाम वहाँ है राजधानी में, तो तुरंत न्याय होना चाहिए, तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए।